Hello, the question says match list first with list second and find the correct option. Means दो लिस्ट दिया है, फर्स्ट लिस्ट दिया आपका एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकेंड लिस्ट दिया उसका लोकेशन कि वो कहाँ पे फाइंड आउट होता है. तो अब एपिथेलियल टिश्यू में आपका दे दिया है ए, दे दिया क्यूबॉइडल दिया है जो कि कहाँ लोकेशन में फाइंड आउट होगा वो आपको बताना है, बी दे दिया है सिलिएटेड, सी दिया कॉलमुलर एंड डी दिया है स्क्वेमस एंड ई दिया है केराटिन नल्ज्ड. ठीक है, अब हमको मैच करना है कि कौन किससे सही होगा. ठीक है, तो फर्स्ट ए की पहले बात करते हैं कि ए का कौन सा, और चार ऑप्शन दे दिया है. हाँ, ए 1 2 3 4 इसमें से दे दिया कि कौन सा करेक्ट हो, मतलब सिंगल ऑप्शन बताना है. ए का 5 होगा कि बी का 4 होगा कि सी का 2 होगा कि डी का 3 होगा कि ई का 1 होगा, ऐसे ही चार ऑप्शन दिया है. तो पहले हम ए की बात करते हैं, क्यूबॉइडल की बात करते हैं, फिर जब हम करेक्ट करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा. तो क्यूबॉइडल बेटा देखो क्यूब की तरह होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्यूब की तरह होता है. ओके, इसलिए उसको क्यूबॉइडल बोलते हैं. ठीक है, क्यूब की तरह होता है वो. ठीक, तो ये इसमें दिया है कि फर्स्ट एपिडर्मल ऑफ स्किन, ये नहीं, इसका ये नहीं होगा. इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ये भी नहीं होगा. इसका फिफ्थ करेक्ट आंसर होगा. इसका क्या होगा, फिफ्थ क्या होगा, जो क्योंकि पेनक्रियाटिक डक्ट जो होता है बेटा उसमें जो इनर लाइनिंग होता है वो आपका क्यूबॉइडल होता है. ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बना होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, लाइनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट. ओके, एंड सेकेंड आप ये तो ये हो गया, ए का फिफ्थ हो गया. एंड बी की बात करते हैं, बी की बात करते हैं, बी में क्या दिया है, बी में आपका सिलिएटेड दिया है, सिलिएटेड. अब देखो सिलिएटेड जो एपिथेलियल दिया है इसका स्ट्रक्चर बेटा कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर जैसे कि मान लो ये जो बनाए हो आप फिगर ऐसे, ठीक है, बनाए ना जो फिगर बना है. ठीक, इसमें आपका ऐसे फिगर बना रहता है. ठीक है, तो इसमें ये जो ऐसे निकला रहता है माइक्रोविलाई की तरह निकला रहता है, तो ये जो होता है इसी को ही सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं. ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं. तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये जो होता है ये तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब में, मतलब ये होता है फैलोपियन ट्यूब में मोस्टली होता है. ये करता क्या है कि जो भी एक जो होता है एग और जो एग से जैसे कि जब फ्यूजन होता है तो फ्यूजन होने के बाद जो एग जो होता है उसको पुश करता है. ठीक है, जायगोट जो उसका होता है जो डिवाइड होने लगता है और उसको पुश करता है कि किधर, यूट्रस की तरफ पुश करने लगता है. यही जो ये जो तुम्हारा ये बना रहता है वो माइक्रोविलाई होता है. ठीक है, इसलिए इसको सिलिएटेड बोलते हैं. ठीक, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा. फोर्थ ऑप्शन बी का क्या होगा, फोर्थ होगा क्या होगा, इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब. ओके, अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम सी की बात करते हैं. सी का क्या होगा, ये तो ए का फिफ्थ हो गया, बी का फोर्थ हो गया, सी का क्या दिया है, कोल्यूमुनार. ठीक है, कोल्यूमुनार सेल दिया है. कोल्यूमुनार में बेटा देखो क्या होता है कि इसमें तुम्हारा दिया है जैसे कि देखो पहले देख लेते हैं, फर्स्ट ये फर्स्ट एपिडर्मस ऑफ स्किन ये नहीं होगा, इनर सरफेस ऑफ गॉल ब्लेडर. ठीक है, कॉलमुलर कॉलम की तरह, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका मतलब होता है क्या है, जो इनर मोस्ट सरफेस जो होता है गॉल ब्लेडर का. ठीक है, वो आपका क्या बना रहता है, मतलब ये कॉलमुलर एपिथेलियल सेल से बना रहता है. उस पर भी जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, हाँ, उस पर भी वो ब्रश की तरह मतलब ऊपर स्ट्रक्चर बना रहता है, उसको ही मतलब माइक्रोविलाई बोलते हैं. इसी की तरह मतलब फॉर्म बना रहेगा स्ट्रक्चर. ठीक है, उसको तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी का 3 होगा. ठीक है, सी का 3 दिया है. ओके, क्या दिया, इनर लाइनिंग नहीं, इनर सरफेस ऑफ गॉल ब्लेडर. क्या दिया, इनर सरफेस ऑफ गॉल ब्लेडर. ठीक है, इनर सरफेस ऑफ गॉल ब्लेडर. ठीक है,
ये गॉल ब्लेडर के सरफेस पे होता है, ठीक है, जो कि ब्रश लाइक मतलब लुक लाइक ऐसे ही होता है, ठीक है, ओके। एंड अब बात करते हैं किसकी, ये तो सी की बात हो गई, जो कि दिया है सी का जस्ट सामने ही थर्ड दे दिया, इनर सरफेस ऑफ गॉल ब्लेडर, यह सही है। अब हम डी की बात करते हैं, तो डी में क्या दिया है, स्क्वायर स्क्वैमस स्क्वैमस एपिथेलियल, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है बेटा, जैसे टाइल्स का स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे ऐसे ये टाइल्स की तरह एकदम ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना रहता है, इसके इसके ऊपर कई तो मतलब ऐसे लेयर बना रहेगा, ठीक है जी, ओके। तो ये जो होता है स्क्वैमस बेटा होता है क्या है, ये आपका क्या दिया है, अब आपके पास दो ऑप्शन बचा है, एक तो आपका एपिडर्मिस ऑफ द स्किन बचा है और दूसरा क्या बताया, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो स्क्वैमस में बेटा क्या होगा, स्क्वैमस में आपका इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये जो ब्लड वेसल्स जो होता है वो आपका किससे बना रहता है, स्क्वैमस एपिथेलियल से बना रहता है, क्योंकि उसमें क्या जो एक्सचेंज होता है, जो भी सब्सटेंस जैसे कि आपका ब्लड में जो भी सब्सटेंस है उसका जो भी एक्सचेंजेस होता है वो स्क्वैमस एपिथेलियम के मतलब के प्रेजेंट से मतलब होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी का सेकेंड। क्या दिया है, इनर इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग, ठीक है, इनर लाइनिंग, ओके, इनर लाइनिंग, सॉरी मैं फिर से लिख देती हूँ, ओके, इनर, हाँ, इनर लाइनिंग ऑफ किसका है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, वेसल, ओके। अब ये आपका डी हो गया, अब हम किसकी बात करेंगे, ई की बात करते हैं, ई, ई का लास्ट जो बच रहा है वही होगा, ठीक है। तो यानी कि ई का क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ई का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, क्या दिया है, ई का केराटिनाइज्ड स्क्वैमस, केराटिनाइज से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एपिडर्मिस ऑफ स्किन, स्किन की मतलब बात कर रही है, क्या हो जाएगा, स्किन स्किन, ठीक है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए थर्ड, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, ओके, मैं इधर लिख देती हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो, और फिगर अगर आप बुक्स में अच्छे से देखते हैं तो आपका डाउट और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो थर्ड का क्या दे दिया है, थर्ड में दिया ए का, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है, ए मतलब इसमें क्या दिया, ए का फिफ्थ होगा, बी का फोर्थ होगा, सी का थ्री होगा, एंड डी का टू होगा, एंड ई का वन होगा। होप दिस आंसर योर क्वेश्चन, लेट्स क्रैक इट, थैंक यू।